आइए रुक करते हैं पीटीवी हिंदुस्तान पर इस वक्त की कुछ खास खबरों की। देश ने खोया एंजल निवेशक, रतन टाटा ने कई स्टार्टअप्स को बनाया बड़ा। रतन टाटा का जाना पूरे देश के लिए एक क्षति है, खासकर स्टार्टअप्स वर्ल्ड के लिए। उन्होंने अब स्टॉक्स कार देखो जैसे कई स्टार्टअप्स में शुरुआती पैसा लगाया था। टाइटन की प्रतिस्पर्धा में लेंस कार्ड जैसी कंपनी में भी निवेश किया था। उन्होंने करीब 45 कंपनियों में निवेश किया था जिनमें से कई यूनिकॉर्न्स बन गए हैं। अर्बन कंपनी, कैश करो, ब्लूस्टोन, कार देखो, ट्रैक्सन जैसी कंपनियां इसमें शामिल हैं। रूस नहीं भूलेगा भारत का ये उपकार, अमेरिका यूक्रेन रहे चिंतित। भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है, दोनों देश एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार हैं। भारत की तकनीक रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद कर रही है। भारत ने रूस को छोटे सुसाइड ड्रोन और अन्य टेक्निकल रिसोर्स प्रदान किए हैं। भारत की ड्रोन तकनीक में पिछले 4 सालों में जबरदस्त तरक्की हुई है। भारत ने रूस को ऑप्टिकल सर्विलांस और टारगेटिंग सिस्टम जैसी तकनीकें दी है। हरियाणा में 12 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण, इन पॉइंट्स में जानिए कैसी चल रही है तैयारियां। हरियाणा में 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। हरियाणा सरकार के परिवहन निदेशक की तरफ से सभी जिलों के रोडवेज महाप्रबंधकों को पत्र भेजा गया है। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोगों को लाने के लिए हरियाणा रोडवेज द्वारा बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। शपथ से पहले विधायकों की बैठक आयोजित होगी। राज्य की जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी से की मुलाकात, सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसमें कांग्रेस और झामुमो गठबंधन मैदान में उतरेगा। हरियाणा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पर सहयोगियों का दबाव रहेगा। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी, 25 लाख दियों से जगमगाएगी राम नगरी। अयोध्या में 30 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव में 25 लाख दियों से राम नगरी को रोशन करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार 7वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या धाम का नाम दर्ज कराने की तैयारी है। राम की पेड़ी, नया घाट समेत 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जाएंगे। सीएम आवास सील होने पर गरमाई दिल्ली की सियासत, आप और भाजपा शीश महल पर आमने सामने। दिल्ली में सीएम आवास को पीडब्ल्यूडी ने सील कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि सीएम आवास में शराब घोटाले, अवैध निर्माण, पेट कटाई जैसे कई राज छिपे हैं। आतिशी ने बिना आवंटन के 7 अक्टूबर को सीएम आवास पर कब्जा कर लिया था। पीडब्ल्यूडी ने बंगला अलॉट करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शीश महल में बहुत सारे राज छिपाए गए हैं। ईरान को समझ नहीं आएगा क्या हुआ इजराइल का चौंकाने वाला हमला। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने चेतावनी दी है कि ईरान पर उनका हमला घातक और अप्रत्याशित होगा। हाल ही में ईरानी मिसाइल हमलों के बाद उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई इतनी तेज और जबरदस्त होगी कि उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वहीं पिछले हफ्ते ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी थी जिसमें 1 अक्टूबर की रात दागी गई लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी। भूल भुलैया 3 ट्रेलर की 5 कमजोरियां, क्या डूबेगी फिल्म। कार्तिक आर्यन स्टारर भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आ गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन ये एक एवरेज ट्रेलर लग रहा है। ना ढंग से डर लग रहा है, ना ढंग से हंसी आ रही है। इस ट्रेलर की 5 कमियां हैं, जिसमें तृप्ति डिमरी काफी का किरदार, माधुरी दीक्षित की ओवर एक्टिंग, हॉरर और कॉमेडी का अधूरापन, कैरी केजल लग रहे हैं साइड कैरेक्टर्स और कमजोर वीएफएक्स शामिल है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।